जयपुर ग्रेटर निबेयर समेत प्रदेश के शहरी निकायों में खाली हुए 3 अध्यक्षीय पदों पर उपचुनाव होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने यह फैसला लिया है, लेकिन आपको बताया कि जयपुर जिले के ग्रेटर नगर निगम में महापौर अयोग्य घोषित हो गई। नसीराबाद और पिंडवाड़ा नगर पालिका में अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया था, जिसके चलते उपचुनाव कराने का फैसला लिया गया है। मतदान 10 नवंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगा और इसी दिन मतगणना के बाद रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। आयोग के उपचुनाव कार्यक्रम की घोषणा करने के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है, जो चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक लागू रहेगी। तो देखिए, शहरी निकायों में उपचुनाव को लेकर शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। नाम वापस लेने की जो तारीख है 7 नवंबर है, चुनाव चिन्ह का आवंटन है वो 7 नवंबर है और मतदान की तारीख 10 नवंबर है। सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक होगा मतदान। तो 10 नवंबर को मतदान की तारीख है, अधिसूचना जारी करने की तिथि 3 नवंबर है। अशोक कुमावत सिरोही से मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, शहरी निकायों में उपचुनाव को लेकर शेड्यूल जारी कर दिया गया है? बिल्कुल दीपिका, बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से जो पिंडवाड़ा के उपचुनाव होने जा रहे हैं उसमें जो नगर जो अध्यक्ष हैं, नगर अध्यक्ष की जो नामों की अभी घोषणा करनी बाकी है, जिस प्रकार से जिस तारीख का ऐलान हो गया है, तारीख का ऐलान होने के बाद में पिंडवाड़ा में भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों ही जो खेमे हैं उसमें सरगर्मियाँ तेजी से बढ़ गई हैं। साथ ही मैं दीपिका बताना चाहूँगा कि भाजपा जो पिंडवाड़ा नगर पालिका है उसमें 25 सीटें हैं, 25 में से भाजपा की 14 सीटें थी और साथ ही जो कांग्रेस की है वो कांग्रेस की 7 सीटें थी और 4 निर्दलीय थी। भाजपा का इस पूर्व में यहाँ बोर्ड था, जितेंद्र प्रजापत यहाँ से नगर पालिका अध्यक्ष थे और उनमें जो 9 जो पार्षद थे भाजपा के, उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लाया और अविश्वास प्रस्ताव निर्दलीयों से मिलकर लेके और उसमें जितेंद्र प्रजापत को बेदखल कर दिया अध्यक्ष पद से। साथ ही इस बार अगर पूरा ठीक रहा तो भाजपा यहाँ बोर्ड बना सकती है। भाजपा की जो असंतुष्ट जो खेमा है उसमें 9 पार्षद हैं, उनको भी संतुष्ट करना पड़ेगा। उसमें पूरा भाजपा है, वो भाजपा पूरी तरह से लग चुकी है और असंतुष्ट पार्षदों को भी संतुष्ट करने की कवायद चल रही है। साथ ही जो 2 नाम प्रमुखता से आ रहे हैं उसमें लतीफ खान का नाम है और साथ ही शंकर घाची का नाम यहाँ भाजपा के खेमे से आ रहा है। तो अगर इन पर मोहर लगती है तो भाजपा यहाँ बोर्ड बना सकती है। साथ ही कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के 7 पार्षद हैं, उसमें भी 2 धड़े हैं और 2 धड़ों में भी राजनीति चल रही है। तो कहीं ना कहीं जो निर्दलीय एक छगन टाक का नाम आ रहा है, निर्दलीय छगन टाक बन सकता है या अचल सिंह बालिया का भी नाम आ रहा है कांग्रेस से, तो उस वो भी यहाँ नगर पालिका के अध्यक्ष में अध्यक्ष पद के लिए दौड़ में है। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि इस बार जो भाजपा है, भाजपा पूरी ताकत लगा रही है कि पूर्व में भी इनका बोर्ड था और अभी वर्तमान में भी इनका बोर्ड बने, तो कहीं ना कहीं भाजपा पूरी तरह से लगी हुई है। जी, जीत बरकरार रखने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी। ऐसे में अशोक, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि अभी नाम तो बातें तो चल रही हैं लेकिन नाम अभी क्लियर नहीं हुआ है, तो क्या ये जानकारी है कि कब तक ये नाम क्लियर हो सकते हैं, तस्वीर कब तक साफ हो सकती है? देखिए, अभी भाजपा के कुछ पदाधिकारियों से बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि अभी जो असंतुष्ट जो भाजपा के जो पार्षद हैं उनको भी संतुष्ट करने की कवायद चल रही है, क्योंकि असंतुष्ट जो पार्षद हैं वो 9 पार्षद हैं, उनको अगर संतुष्ट नहीं किया गया तो नामों की भी फिलहाल घोषणा नहीं होगी, मगर जल्दी से जल्दी इनको नामों की घोषणा करनी पड़ेगी। लेकिन जो चर्चा का जो विषय है, उस चर्चा के विषय में यहाँ जो 2 प्रमुखता से नाम उछल कर आ रहे हैं, बाकी अभी जो नामों की घोषणा है वो इनको जल्द से जल्द करनी पड़ेगी। जी दीपिका, बिल्कुल। भारत दीक्षित भी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करते हैं। भारत, वहां पर कैसी तस्वीर अभी देखने को मिल रही है और क्या जानकारी इससे जुड़ी आपके पास है?
देखिए बिल्कुल, आपको बता दूं कि करीब 15 महीने से ये विवाद लगातार चल रहा है, जब से सौम्या गुर्जर और कमिश्नर के बीच में जब विवाद हुआ था, लेकिन अब स्थिति साफ हो चुकी है। राज्य निर्वाचन चुनाव आयोग ने 10 तारीख महापौर के चुनाव की तारीख तय कर दी। इस वक्त हम ग्रेटर नगर निगम के अंदर मौजूद है, जहाँ की तस्वीर से रूबरू कराना चाहूंगा कि ये आप तस्वीर देख पा रहे हैं, ये महापौर कार्यालय है जिसके लिए चुनाव होने वाले हैं और कल इस चुनाव की अधिसूचना है वो यहाँ पर जारी हो जाएगी। उसके बाद 4 तारीख को नामांकन है वो यहाँ पर दर्ज है वो यहाँ पर किए जाएंगे। और आपको बता दूं कि चुनाव के आते ही दोनों ही जो दल हैं, बात की जाए भाजपा की बात की जाए चाहे कांग्रेस की बात की जाए, दोनों ही अब पूरी तरह से सक्रिय हो गए, क्योंकि मौजूदा स्थिति की बात की जाए मौजूदा स्थिति में जो ज्यादातर जो विधायक है यानी कि 88 विधायक हैं वो भाजपा के हैं, लेकिन जिस प्रकार से 2 भाजपा के पार्षद और 1 निर्दलीय पार्षद को निलंबित यहाँ पर कर दिया गया, उसके बाद स्थिति थोड़ी सी पीछे हो जाती है, यानी कि भाजपा के बाद अब 86 पार्षद हैं और कुल मिलाकर अगर महापौर के चुनाव की अगर बात की जाए तो 146 अब पार्षद इस चुनाव में भाग लेंगे। तो कुल मिलाकर दोनों ही दल अपनी अपनी तैयारियां हैं महापौर चुनाव के लिए पूरी यहां पर कर दी, और ऐसी भी सूचना आ रही है कि बाड़ेबंदी भी यहां पर महापौर चुनाव के लिए की जा सकती है। देखिए महापौर पद की अगर दावेदारी की बात की जाए तो भाजपा की कहीं जो चेयरमैन है वर्तमान में समितियों में, अगर बात की जाए विद्युत समिति की चेयरमैन सुप्रीत बंसल की, तो वो भी महापौर की पद की रेस में है। इसके साथ साथ रश्मि जो सैनी है वो भी इस महापौर की पद की दावेदारी यहां पर ठोक रही है। उसके साथ साथ जो भारती लक्यानी है जो कि मानसरोवर जोन से आती है वो भी महापौर पद की रेस में है। हालांकि ये संगठन को तय करना है कि किसके नाम पर वो अंतिम मोहर यहां पर लगाता है, लेकिन उससे पहले जो अपने अपनी जो महापौर पद की जो दावेदारी ठोक रहे हैं वो पूरी लॉबिंग करते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं। और पिछले अगर महीने की बात की जाए तो करीब 1.5 महीने से सील दवाई को ग्रेटर नगर निगम का कार्यवाहक महापौर के तौर पर नियुक्त किया, तो वो खुद भी इस महापौर की दौड़ में है। कुल मिलाकर 10 तारीख को महापौर के चुनाव हो रहे हैं और उसी दिन मतगणना यहां पर होगी, लेकिन उससे पहले जिस प्रकार से जैसे ही महापौर पद के जो चुनावी कार्यक्रम राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से घोषित किया, उसके बाद सरगर्मियां लगातार यहां पर तेज हो चुकी है, लगातार पार्षद यहां पर गुट बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी एक कठिन दौर होगा जब सभी को एक साथ लेकर एक महापौर पद की, क्योंकि पहले की बात की जाए तो ग्रेटर नगर निगम में भाजपा का बोर्ड है और भाजपा के बोर्ड के अंदर ही कई तरह की गुट लॉबिंग भी यहां पर काम कर रही है, क्योंकि जब सौम्या गुर्जर थी तो उनका अलग यहां पर एक गुट हुआ करता था, उसके बाद शील दवाई जी जब यहां से आई है। तैयारी दोनों तरफ से ही है और दोनों तरफ से भी रणनीति बनाई जा रही है। बहरहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, बातचीत करने के लिए।